मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के सदन में दिए गए भाषण के बाद कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पदभार को छोड़कर मंदिर में बैठकर पूजा पाठ और मंदिर की सेवा करनी चाहिए। कांग्रेस की इस टिप्पणी को भाजपा ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सदन में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना चाहिए। वहीं कांग्रेस को दुर्भाग्य बताते हुए जबलपुर भाजपा विधायक राकेश सिंह ने कहा कि 600 साल बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर देश में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। पूरा देश राममय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं राम मंदिर की भूमि पूजन में जा रहे हैं। लोगों को बेसब्री से इंतजार है 22 जनवरी का, जब रामलला की भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसके बाद भी राम के ऊपर कांग्रेस टिप्पणी कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मध्य प्रदेश के विधानसभा में राम का नाम लिया गया, इसमें क्या दिक्कत है? क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं तो बांग्लादेश में राम का नाम लिया जाएगा? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? जिस देश में सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में जाते हैं, जहां पूरा देश राममय हो और जहां 600 साल के बाद भगवान राम को अपने मंदिर में विराजने का मौका मिला हो, अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में और भारत में भगवान राम का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये उम्मीद हम करेंगे? हमारी शुरुआत ही सुबह ही राम के नाम के साथ होती है और इसीलिए उन्होंने सारे किए गए कार्यों के साथ में, पिछली सरकार ने भी क्या राम पद गमन के बारे में विचार नहीं किया? क्या उस पर काम प्रारंभ नहीं किया? क्या कमलनाथ जी की सरकार स्वयं राम पद गमन की बात नहीं कर रही थी? और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान राम की अगर बात की है, भगवान कृष्ण की अगर बात की है, तो मैं ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।